सभी को नमस्कार। हिमाचल से केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपन ने कल टॉपिक देखा था असामान्य आणविक द्रव्यमान, तो उससे संबंधित अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वन हाफ गुणांक। तो आज का अपना टॉपिक है वन हाफ गुणांक। गुणांक प्रदर्शित करते इसे आईसी वन हाफ गुणांक किसे प्रदर्शित करते हैं आईसी। तो जो अपना असामान्य आणविक द्रव्यमान था उसमें किसी विलायक को विलायक में डालने पर या तो आयनन हो रहा था या वो सगुणित हो रहा था, जिसमें उसका जो आणविक द्रव्यमान था सामान्य आणविक द्रव्यमान की तुलना में परिवर्तित हो रहा था, जिसे अपन ने कहा था असामान्य आणविक द्रव्यमान। असामान्य आणविक द्रव्यमान के संबंध में एक वैज्ञानिक रहते वान ठाप, उसने एक गुणांक से प्रदर्शित किया जिसे कहते हैं वान ठाप गुणांक। यानी असामान्य आणविक द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए वान ठाप नामक वैज्ञानिक ने गुणांक दिया जिसे वान ठाप गुणांक कहते हैं। तो वान ठाप गुणांक को परिभाषित कैसे कर सकते हैं वो देखिए। तो वान ठाप गुणांक क्या होता है, जब किसी विलायक विलायक में डालते समय तो आयनित हो रहा है और संगुणित हो रहा है, तो आयनन के पश्चात या वियोजन के पश्चात जो कणों की संख्या होती है उसमें आयनन के पहले जो कणों की संख्या था उसका भाग देने पर जो मान आता है उसे कहते हैं वान ठाप गुणांक। तो कैसे लिख सकते हैं अपन आई बराबर, यानी वान ठाप गुणांक बराबर आयनन, आयनन कह दीजिए, वियोजन कह दीजिए, आयनन के पश्चात कणों की संख्या, आयनन के पश्चात कणों की संख्या बटे आयनन के पूर्व, आयनन के पूर्व इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या तो भी ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटे आयनन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। तो इसके अनुपात को अपन कहते हैं वान ठाप गुणांक, या इसको प्रदर्शित करते हैं आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, यानी प्रेक्षित अणु संख्या गुण। आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या जिसे बोलते हैं प्रेक्षित अणु संख्या के गुण। तो आई बराबर प्रेक्षित अणु संख्यक गुणधर्म बटे आयनन या संगुणन के पूर्व जो कणों संख्या होती है बोलते हैं सैद्धांतिक, तो बटे सैद्धांतिक अणु संख्यक गुणधर्म, ये अपना है वान ठाप गुणांक। एक अणु संख्यक गुण कितने थे, चार थे अपने, वास्तविक अपेक्षित गुण क्वथनांक अवनयन हिमांक अवनयन परासरण परासरण दाब। तो यू प्रेक्षित अनुसंख्या गुण, यानी वो प्रेक्षित अनुसंख्या गुण धर्म, तो इसमें सैद्धांतिक अनुसंख्या गुण का भाग देते हैं पर क्या निकलता अपना वान ठाप गुणांक, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या निकलती है, यदि आई बराबर एक हो तो, यानी आई की वैल्यू एक कब आ सकती है, आई की वैल्यू तब एक आएगी जब किसी विलायक को डालने पर वो न तो आयनित हो रहा हो न संगुणित हो रहा हो, तो आई का मान आता है अपना एक। यानी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में वान ठाप गुणांक का मान एक कब आता है, तो आप लिखो जब किसी विलायक में डालने पर वो न तो आयनित हो नहीं संगुणित हो तो वान ठाप गुणांक का मान एक आता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है आई इज ग्रेटर देन वन,
वन, यानी आई का मान एक से कब आता है ज्यादा, तो आई का मान एक से तब ज्यादा आएगा जब आयनिन की मात्रा ग्लाइको ग्लाइको डालने पर वो आयनिन हो रहा हो, तो आई का मान आएगा एक से ज्यादा। केस थर्ड, आई इज लेस देन वन, यानी आई का मान एक से कम कब आएगा, तो जब किसी ग्लाइको ग्लाइको डालने पर अगर वो संगुणित हो रहा है तो आई का मान आता है एक से कम। ठीक है, तो तीन कंडीशन अपनी ये इंपॉर्टेंट है, आई का मान एक कब आता है, आई का मान एक से ज्यादा कब आता है, आई का मान एक से कम कब आता है। तो यदि वो न संगुणित हो रहा हो न आयनित हो रहा है तो आई का मान आएगा एक, अगर वो आयनित हो रहा है तो आई का मान आएगा एक से ज्यादा, अगर वो संगुणित हो रहा है तो आई का मान आएगा एक से कम। ठीक, ये अपना मान था प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण बटा सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुण। अब अपन अनुसंख्यक गुण कितने थे, चार। अब चारों को अगर अपन फॉर्मूले बेस के रूप में लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, तो नंबर एक था अपना वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ठीक, इस अनुसंख्यक गुण मान था गुणांक के संबंध क्या होगा, तो देखिए वास्तव में अपेक्षित अवनमन पर लिखा था P नोट A माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, यानी शुद्ध अवस्था में विलायक का वास्तव वीएन का वास्तव, ये आया था अपना विलायक की मोल भिन्न एक्स बी के बराबर। अब इसको वन था गुणांक से संबंधित कैसे करेंगे, तो वास्तव का अपेक्षण ये इसको अपन गुणा कर दें किससे, आई से, तो गुणा में आई, ये अपना संबंध होगा वान था गुणांक और वास्तव अपेक्षण में संबंध। नंबर दो था अपना कौथनांक में उन्नयन, कौथनांक में उन्नयन और वान था गुणांक में संबंध, तो कौथनांक उन्नयन का अपना फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा में डब्ल्यू बी इंटू एक धा अपोर एम बी, अपोर एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यह अपना संबंध कौथनांक नियम का फॉर्मूला था। अब इसका वन था गुणांक संबंध क्या होगा, इससे गुणा कर दो आई से, गुणा में आई। ठीक, इसे अगर आपको वन था गुणांक दे तो इस नंबर तीसरा संबंध था अपना हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन और वन था गुणांक में संबंध क्या रहेगा, तो हिमांक अवनमन का अपना फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा कर दो आई से, गुणा में आई इंटू डब्ल्यू बी गुणा एक दा अपॉन एम बी गुणा में ग्लाइड का भार डब्ल्यू ए, यह होगा अपना वन था गुणांक और हिमांक अवनमन में संबंध। और नंबर चार अपना परासरण दाब, परासरण दाब और वन था गुणांक में संबंध, तो परासरण दाब को क्या था पाई बराबर सी आर टी, ये निकला था फाइनल फॉर्मूला, तो इस वन था गुणा से गुणा कर दो तो क्या देखो पाई बराबर आई सी आर टी। तो यह था अपना वन था गुणांक प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण और सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुण ग्रुण के जो अनुपात उसको बोलते हैं वन था गुणांक और उसके अनुसंख्यक गुण में संबंध। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन देखते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।